कर्नाटक के मांड्या में गणपति विसर्जन के जुलूस पर पथराव। बद्री कोपुल गांव में मस्जिद के पास से गुजरते वक्त उपद्रवियों ने किया पथराव। गणपति विसर्जन के जुलूस पर पथराव के बाद दो गुटों में झड़प। उपद्रवियों ने कई दुकानों में तोड़फोड़ की, दो वाहनों को आग के हवाले किया। हंगामे के बाद लोगों ने पुलिस स्टेशन के बाहर प्रदर्शन किया। पथराव और आगजनी के लिए जिम्मेदार उपद्रवियों को गिरफ्तार करने की मांग। पुलिस ने फिलहाल लोगों को समझा बुझाकर मामला शांत कराया। इलाके में धारा 163 लागू, भारी तादाद में फौज की तैनाती। चंडीगढ़ के सेक्टर 10 में पंजाब पुलिस के रिटायर्ड अफसर की कोठी पर ग्रेनेड अटैक। धमाके से कोठी की खिड़की के शीशे और कई गमले टूटे। एक ऑटो से आए तीन अज्ञात लोगों ने कोठी पर किया था ग्रेनेड अटैक, मौके से फरार हुए। हमले की घटना सीसीटीवी में कैद हुई। चंडीगढ़ पुलिस और सीएफएसएल टीम जांच में जुटी। पुलिस को मिली है कई लीड्स। खालिस्तान टेरर और गैंगस्टर एंगल से भी की जा रही है जांच। चंडीगढ़ में ग्रेनेड विस्फोट मामले में एक्शन में पुलिस। दो संदिग्धों की जानकारी देने वालों को 2 लाख रुपए देने का ऐलान किया। अमेरिका में राहुल गांधी के कथित देश विरोधी बयान के खिलाफ आज बीजेपी का मुंबई में और बंगलुरु में प्रदर्शन। पार्टी कार्यकर्ता फूकेंगे राहुल गांधी का पुतला। अमेरिका में राहुल गांधी के विवादित सिख बयान वाला युवक भलिंदर सिंह आया सामने। कहा, मेरे साथ ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ, गुरुद्वारों में जाता हूं, भारत में कभी कोई परेशानी नहीं आई। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी एक नए विवाद में घिरे। अमेरिकी सांसदों के साथ मुलाकात की एक तस्वीर में भारत विरोधी सांसद इलहान उमर नजर आया। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन का आज आखिरी दिन। 5 अक्टूबर को चुनाव होगा, 8 को आएंगे नतीजे। हरियाणा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी ने 4थी और 5वीं सूची जारी की। अब तक 90 में से 72 सीटों पर कैंडिडेट्स उतारे। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी ने उम्मीदवारों की 6ठी सूची जारी की। 19 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया। आम आदमी पार्टी ने बुधवार को उम्मीदवारों की 5वीं सूची जारी की। 90 सीटों में से अब तक 89 उम्मीदवार घोषित किए गए। हरियाणा विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने WWE रेसलर कविता दलाल को जुलाना से मैदान में उतारा। कांग्रेस उम्मीदवार विनेश फोगाट को देंगी टक्कर। हरियाणा के कलायत में एक नामांकन रैली में शामिल हुए मनीष सिसोदिया, कहा, हरियाणा में आपकी बनेगी सरकार। मनीष सिसोदिया ने कहा, इस बार हरियाणा में बदलाव की लहर तय है, बीजेपी सरकार से जनता नाखुश है। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने देर रात जारी की 5 उम्मीदवारों के नाम की 4थी लिस्ट। अब तक 86 उम्मीदवारों के नामों का कांग्रेस कर चुकी है ऐलान। कांग्रेस ने राज्यसभा सांसद रणदीप सुरजेवाला के बेटे आदित्य सुरजेवाला को दिया टिकट, कैथल से चुनावी मैदान में उतारा। कांग्रेस कैंडिडेट विनेश फोगाट ने नामांकन दाखिल किया। हरियाणा के जुलाना से लड़ रही है चुनाव। राजनीति में आना मेरा सौभाग्य है, जनता की सेवा के लिए कठिन परिश्रम कर रहे हैं, विनेश फोगाट का बयान। विनेश फोगाट के नामांकन में शामिल हुए दीपेंद्र हुड्डा, कहा, बेटियों के सम्मान के लिए विनेश ने सरकार से लड़ाई लड़ी।